जय माता दी, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ नवरात्र में आपने माँ भगवती की किस तरह से स्थापना करी है, माँ का आवाहन कैसे किया है, सारा प्रोसेस हमारे साथ शेयर करिए। तो चलिए हम पूजा विधि, हमने किस तरह से माँ का आवाहन किया, स्थापन किया, फुल ब्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने मंडल यानी कि जो सर्वतोभद्र नवग्रह सभी की चौकी बना ली है और अब पूजन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले जो कलश पात्र हम लेते हैं जिसे आचमन करते हैं, उसमें गंगा जल मिक्स करके हम सभी नदियों का ध्यान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। तो यहाँ पे 9 दिन जगने वाला माता के नाम की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जा रही है। डायरेक्ट अखंड ज्योत को प्रज्वलित नहीं करते हैं, या कोई अगरबत्ती में घी लगाकर आप उसके थ्रू भी अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर सकते हैं। और जब हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो अपने मन में मनोकामनाएं रखते हैं और माँ का ध्यान करते हुए कि माँ आप अखंड ज्योत में विराजमान हो जाइए। अब अक्षत लेकर अखंड ज्योत की यहाँ पर स्थापना की जा रही है और पंडित जी यहाँ पर मंत्रों के साथ यहाँ पर माता का आवाहन कर रहे हैं। सबसे पहले पूजा में हम दीप का ध्यान करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद हम देवी देवताओं का आवाहन पूजन शुरू करते हैं, उसके बाद हम गणपति जी का आवाहन करते हैं और आवाहन करने के बाद सबकी पूजा शुरू करते हैं। अब यहाँ पे गणपति अखंड ज्योत की स्थापना हो चुकी है। अब दिशा बंधन किया जा रहा है, इसमें पीली सरसों, रक्षा सूत्र और कुछ दक्षिणा होता है जो मंत्रों के साथ में यहाँ पे दिशा बंधन किया जाता है, आप देख सकते हैं। अब ये जो पीला सरसों है 10 दिशाओं में यहाँ पे फेंका जाएगा जिससे आपके ऊपर जो बुरी शक्तियाँ आपकी पूजा में कोई विघ्न ना डाल सकें, 7, 4, 10 दिशाओं को यहाँ पे बांधा जाता है, बंधन किया जाता है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, सभी 4 दिशाओं में यहाँ पे दिशा बंधन किया जाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है वो दूर हो जाती है और आपके पूजा पाठ में कोई भी विघ्न नहीं आने देती है। तो यहाँ पे इस तरह से दिशा बंधन कर दिया गया है। इसके बाद गणपति जी माता गौरी इनका आवाहन होता है, इनकी पूजा किया जाता है और फिर यहाँ पे संकल्प होता है जिसमें पान पत्ता, सुपारी, अक्षत, कुछ हल्दी और कुशा घास और दूर्वा घास रख कर यहाँ पे संकल्प किया जाता है जिसमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, दिन, वार, मुहूर्त, तिथि सब बोला जाता है, अपनी मनोकामनाओं को भी बोलते हैं और बोलने के बाद भगवान गणेश माता गौरी के सामने अर्पित कर दिया जाता है। माथे से लगाने के बाद अर्पित करते समय हम बोलते हैं समर्पयामि। और अब यहाँ पे हम वरुण देवता का आवाहन कर रहे हैं, वरुण देवता यानी कलश देवता जिसमें 37 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं और सभी देवी देवताओं का यहाँ पे आवाहन किया जाता है। अब यहाँ पे चौकी की स्थापना हो रही है जिस पे यहाँ पे 64 चौगनियाँ बनाई गई हैं, इनका आवाहन किया जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पे जो मंडल बने हैं इनमें कौन कौन से देवी देवताओं का आवाहन किया गया है। सबसे पहले गणेश माता लक्ष्मी विराजमान हैं, उनके सामने खोडश मातृका है और सप्तघृत मातृका जो आप फ्रेम में देख रहे हैं सप्तघृत मातृका है। फिर हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड में वास्तु देवता हैं, उनके बगल में हमारी 64 चौगनियाँ हैं। फिर हमारे नवग्रह देवता हैं और क्षेत्रपाल देवता हैं, तो सभी का यहाँ पे स्थापन हो रहा है। और ये हमारी हैं सप्तघृत मातृका जिनको यहाँ पे पंडित जी ने साड़ी वस्त्र पहना दिया है और अब इनकी यहाँ पे विधिवत स्थापना आवाहन किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे खोडश मातृका के सामने सप्तघृत मातृका, ये भी हमारी देवी हैं, इनकी यहाँ लक्ष्मी माता का रूप है और यहाँ पर इनकी स्थापना की जा रही है। अब यहाँ पे मंत्रों, वेद मंत्रों के साथ इनका आवाहन होगा और फिर सभी को यहाँ पे वस्त्र अर्पित किया जा रहा है। ये जहाँ पे हरा कपड़ा लगा है कलश पे, ये हमारे क्षेत्रपाल देवता हैं, इनको सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। और ये हमारे नवग्रह देवता हैं, इनको भी हम सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। फिर जो आप बीच में कलश देख रहे हैं वो सर्वतोभद्र हैं, उनको हम येलो रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान विराजमान होते हैं,
ये मुख्य कलश होता है जो बीच में स्थापित है, तो यहाँ पर हम येलो रंग के वस्त्र को अर्पित करेंगे। यहाँ ये इस मंडल को बोलते हैं सर्वतोभद्र, और कुछ दक्षिणा भी साथ में अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्वतोभद्र को भी अर्पित कर दिया है, और जो 64 चौगनियाँ हैं यहाँ पर हम साड़ी अर्पित करेंगे। तो जो हमारे वास्तु देवता हैं इनको भी हम सफ़ेद रंग के वस्त्र ही अर्पित करेंगे। तो माता को भी यहाँ पर हमने अचला अर्पित कर दिया है, और ये हमारे वास्तु के देवता हैं, जो हमारे घर के देवता होते हैं उनको यहाँ पे हमने वस्त्र अर्पित कर दिया है। सभी देवी देवताओं को हमने वस्त्र यहाँ पे चढ़ा दिए। सभी का आवाहन पूजन हो चुका है, और अब हम यहाँ पर अपने सप्तघृत मातृका का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं पंडित जी यहाँ पे किस तरह से करवा रहे हैं। आपके यहाँ जिस अकॉर्डिंग से पूजा की जाती है, जो आपके यहाँ रिचुअल्स हैं वो आप फॉलोअप करेंगे, हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स हैं वो हम फॉलोअप करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर भी अपने घर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम भगवान जी को धूप अर्पित करेंगे। धूप अर्पित करने के बाद हम दीप दिखाएंगे, और दीप दिखाने के बाद हम अपने हाथ को धुलेंगे, यानी कि अपने हाथ को वॉश भी कर लेंगे। धूप दीप दिखाने के बाद ये एक तरह का नैवेद्य होता है, जिसके बाद हमें हाथ को धुलना होता है पानी से। और फिर यहाँ पे हम गणपति बप्पा को अर्घ देंगे। अर्घ में एक हम पात्र लेते हैं, जिसमें हम गंगा जल होता है, सिक्का, सुपारी और दूर्वा घास और सिंदूर जल और कुछ दक्षिणा होता है, जो कि हम भगवान को अर्पित करते हैं, यानी गणपति बप्पा को अर्घ देते हैं, और कुछ हल्दी की हल्दी पाउडर्स होते हैं। तो ये सब मिलाकर हम एक पात्र में लेकर अपने मस्तक पर लगाकर हम गणपति बप्पा को ध्यान करते हुए अपनी तरफ मुंह करके हम अर्घ देते हैं। थोड़ा सा हम बप्पा के ऊपर डाल देते हैं, और उसके बाद हम उसको अपनी तरफ मुंह करके, आप जैसे वीडियोज़ में देख रहे हैं, इस तरह से अर्घ दे दिया जाता है। और जो बचे हुए पात्र में जो जल होता है उसे हम अपने नेत्रों में लगा लेते हैं, राइट में पहले और फिर लेफ्ट में आँखों में लगाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। और यहाँ पे फाइनली हमारे सभी भगवान जी का आवाहन पूजन हो चुका है, और अब हम प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करेंगे, जो कि बैठकर हम हाथों से परिक्रमा कर सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पे ब्राह्मण पूजन होता है, जिसमें ब्राह्मण को जो पंडित जी आए होते हैं उनको तिलक, कुछ दक्षिणा और वस्त्र भेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमने ब्राह्मण पूजन भी कर दिया है, और फाइनली पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश थे, और पंडित जी ने बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजन पाठ करवाया है। फाइनली सभी की स्थापना होने के बाद अब बारी आ गई माँ अम्बा के आवाहन की, प्राण प्रतिष्ठा विधि की। तो किस तरह से यहाँ पे माँ का आवाहन हो रहा है आप सुन सकते हैं। माँ के आवाहन और ध्यान के बाद अब यहाँ पे माता का श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें माता को सबसे पहले एक पीले रंग की साड़ी भेंट की जाती है। तो हमने माता को यहाँ पे साड़ी अर्पित कर दिया है। आप यथा सामर्थ्य जो भी चीज़ें माता को भेंट करते हैं माता वो स्वीकार करती हैं। अगर आप चढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य है तो आप बिल्कुल चढ़ाइए, नहीं सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, माता तो बस आपके भाव की भूखी हैं। तो बस माता को यहाँ पे श्रृंगार किया जा रहा है, और अब यहाँ पे माता का आवाहन हो रहा है। अब यहाँ पर माता रानी को नैवेद्य अर्पित किया जा रहा है, जिसमें माता के लिए मिठाई है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और फल है, जो माता को यहाँ पे भोग के लिए अर्पित किया जा रहा है। और अब तक चार बार आचमनी किया जाएगा, यानी कि जल को दिखाकर माता रानी को, माता रानी के पास अर्पित किया जाएगा, जिसे हम आचमनी बोलते हैं। और अब यहाँ पर हम करोद वर्तम करेंगे। ये हल्दी लेकर तीन बार चुटकी बजाई जाती है,
इसे करोदवर्तन बोलते हैं। और अब यहाँ पे हम पान बीड़ा अर्पित कर देंगे और अब हाथ में जल लेकर के माता रानी का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद माता के चरणों में जल को अर्पित कर देंगे और फिर हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करेंगे। अब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बेलपत्र लेकर माता के चरणों पर ध्यान किया जा रहा है और यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र आप भी सुन सकते हैं। जय माता दी। ये सारे जो रिचुअल्स हैं प्राण प्रतिष्ठा की विधि के हैं। माता रानी का आवाहन होता है। दोबारा बेलपत्र को लेकर माता के हृदय के पास लगाकर यहाँ पे पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और माता रानी का आवाहन कर रहे हैं। तो ये सारे विधि विधान के साथ माता का आवाहन किया जा रहा है। प्रतिष्ठा होने के बाद में यहाँ पे माता को बलि दी जा रही है। बलि हम मिठाई से देते हैं। यहाँ पे मिठाई हमने ले लिया है। इस पे रक्त चंदन लगा कर माता के सामने पंडित जी यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं और किस तरह से बलि दिलाते हैं आप देख सकते हैं। माँ को यहाँ पे बलि चढ़ा दी गई है और चढ़ाने के बाद में पंडित जी ने माता के सामने बलि को जो चढ़ाया है वो अर्पित करवा दिया है। तो फाइनली इस तरह से माता की स्थापना की गई है और यहाँ पे माता के नेत्रों के अब दर्शन हो चुके हैं। सबसे पहले दाहिने आँख और बाएं आँखों पर यहाँ पे शहद लगाया जा रहा है। दोनों आँखों में प्रॉपर शहद लगाते हैं। उसके बाद माता के होठों पे शहद लगाते हैं, फिर माता के नाक पर शहद लगाते हैं और फिर माता के कान पर यहाँ शहद लगवा रहे हैं। सारे मंत्रों के साथ में पंडित जी लगवा रहे हैं। यहाँ वॉइस ओवर करना है ताकि आप लोग को जो हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं वो समझ में आए। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद माता के नेत्र दर्शन होने के बाद यहाँ पे मैया को शहद और दही खिलाया जा रहा है। यानी कि जब हम कोई आता है अतिथि तो हम उसको मुंह मीठा कराते हैं, उस भाव के साथ माता को यहाँ पे दही और शहद का भोग लगाया जा रहा है जो कि हम 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार माता को खिला सकते हैं। और अब अक्षत लेकर माता का यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। उनके ऊपर दो दो दाने अर्पित कर रहे हैं। और अब यहाँ पे माता का श्रृंगार किया जाएगा जिसमें माता को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं, जिसमें हम सिंदूर होता है, आलता, बिंदी, माता के लिए हाथों की चूड़ियाँ, माता के पैरों के पायल, बिछिया, पाउडर, क्रीम, मतलब जो भी 16 श्रृंगार में होता है। 16 श्रृंगार में पान बीड़ा भी आता है तो पान बीड़ा भी माता को ज़रूर अर्पित करें जो कि गुलकंद हो। गुलकंद का पान माता को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है तो आप हो सके तो नवरात्र के समय माता को गुलकंद के पान ज़रूर अर्पित करें। आपको जहाँ पर पान मिलते हैं वहाँ पर जाएंगे तो गुलकंद का पान आपको बना के माता के लिए अवश्य दे देंगे। तो आप नवरात्र माता को अर्पित करेंगे तो माँ भगवती बहुत प्रसन्न होंगी। तो यहाँ पे माता का श्रृंगार हो चुका है और मैया ने अब यहाँ पे चुन्नी धारण कर ली है और अब माता का रूप इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बस कोई शब्द नहीं है। बोलिए जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो फाइनली मैया का श्रृंगार हो चुका है और अब जो हमारे घर में माता रानी सदैव विराजमान है उनके लिए हमने ये बहुत ही सुंदर से प्यारी से चुन्नी माता को भेंट करी है। और ये सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद माता को एक नारियल, चुन्नी और कुछ दक्षिणा यहाँ पे मैया को अर्पित कर दिया है। आप यथा सामर्थ्य जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं सब कुछ भाव के साथ अर्पित करिए, माँ अवश्य स्वीकार करेंगी। और माता को यहाँ पे तिलक भी कर दिया है। कुमकुम से तिलक किया है, हल्दी माता को अर्पित नहीं होती है। तो कुमकुम और लाल चंदन, रक्त चंदन या फिर कुमकुम, इन सब चीज़ों को आप माता को अर्पित कर सकते हैं।
और मैया को यहाँ पे फूल माला भी अर्पित कर दिया है और अब माता के यहाँ पे फाइनली पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। धूप दीप दिखाकर माता को यहाँ पे नैवेद्य अर्पित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद अब माता की हम प्रॉपर आरती करेंगे। एक कपूर से आरती की बाती जलाएंगे और एक घी की आरती जलाएंगे और फिर मैया की आरती करेंगे। जय के चननी जय जय माँ, जय के चननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी।